देवभूमि उत्तराखंड में चंद वंश के राजाओं की राजधानी रही अल्मोड़ा की ऊंची चोटियों में चारों ओर से माता के मंदिर स्थापित हैं। ऐतिहासिक मंदिर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर 8वीं सदी में स्थित कसार देवी यानी कि कात्यायनी देवी मंदिर का निर्माण चंद शासक रुद्रक द्वारा किया गया था। कश्यप पहाड़ी पर गुफा में माता कात्यायनी विराजमान है। नवरात्रि में यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हरिद्वार के परशुराम चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भल्ला कॉलेज स्थित हेलीपैड पर उतरते ही जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही अमित शाह को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन ठीक उससे पहले ही मुस्तैद पुलिस के जवानों ने कांग्रेसियों को रोक लिया और हिरासत में ले लिया। खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा में उन्हें प्रदेश महासचिव और लोकसभा प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। रुड़की रोड स्थित निजी होटल में हुए कार्यक्रम में बसपा के वरिष्ठ नेता शमसुद्दीन राइन और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रिजवाल की मौजूदगी में सोनिया शर्मा ने बसपा ज्वाइन की। ऋषिकेश की रामझूला पार्किंग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पार्किंग में खड़ा एक टेम्पो ट्रैवलर धू धू करके जलने लगा। वहीं सूचना पर दमकल टीम ने आग पर नियंत्रण पाने की मशक्कत की तो लेकिन तब तक वाहन जलकर खाक हो गया था। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। रामनवमी के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ हरिद्वार ने संन्यास दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया। गंगा किनारे आयोजित इस कार्यक्रम में 100 से अधिक विद्वानों ने संन्यास लिया, जबकि बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। संन्यास लेने के बाद सभी का नाम भी अलग हो गया है। उत्तराखंड में आखिरकार बिजली के दाम बढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली को लेकर नया टैरिफ जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर भी काफी ज्यादा बोझ पड़ने जा रहा है। राज्य में इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर 31 मार्च 2020 की तुलना में 6.98% की टैरिफ में वृद्धि होने जा रही है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बेटे का बर्थडे मनाने के बाद सिपाही नीरज कुमार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनका कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बीती रात भी उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। आनन फानन में उनके परिजनों ने अस्पताल भी ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 182 छात्रों को मिले गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस दौरान अमित शाह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, उन्हें विश्वास है कि अगली रामनवमी तक भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने नई शिक्षा नीति के बारे में भी युवाओं को जानकारी दी और अमित शाह ने युवाओं से समग्र भारत के विकास में सहभागिता की अपील भी की। G20 समिट के तीसरे दिन और आखिरी दिन डेलीगेट्स कॉर्बेट पार्क में भ्रमण करने के साथ ही दोपहर पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान राज्य सरकार और प्रशासन की सारी व्यवस्थाओं में डेलीगेट्स बहुत खुश नजर आए। बता दें कि 28, 29 और 30 मार्च को कॉर्बेट पार्क के ताज रिजॉर्ट में G20 समिट का आयोजन किया गया था।